पबजी मोबाइल गेम अगर आप खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा एरिना ट्रेनिंग में CDM जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल गन देखने को मिल रही होंगी, तो नॉर्मल गन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन दोनों गन में क्या फ़र्क है आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल गन और यहाँ पर सेम वही गन हमें मिल रही है नॉर्मल भी। तो यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो लिखा है दिस एक्सपेरिमेंटल वेपन हैज बीन स्पेशली अपग्रेडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो ये सभी में लिखा है। चलिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोड आउट पे क्लिक करेंगे, लोड आउट का जो ऑप्शन होता है आप भी खुद से कर सकते हैं इस तरह से अगर करना चाहते हैं तो, और फिर जो भी गन आपको यहाँ पे दिख रही होगी किसी भी गन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके तो दो प्रकार की गन देखने को मिल रही है। ये देखिए ये नीचे एक्सपेरिमेंटल गन्स हैं और ऊपर वही गन नॉर्मल है। तो चलिए AKM से मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क है एक्सपेरिमेंटल गन में और नॉर्मल गन में। तो यहाँ पर AKM ये नॉर्मल AKM, यहाँ पे मैंने कोई भी मुजल मैग साइड नहीं लगा रखा है जिससे कि आप ये ना कहें मैं चीटिंग कर रहा हूँ, और इसमें भी नहीं लगी। तो यहाँ पे मेन फर्क आपको दिख जाएगा, ऊपर आप देखिए ये नॉर्मल गन है ठीक है AKM की, ऊपर पावर आप नोट कर लीजिए 48 है, रेट ऑफ फायर 61 है और रेंज 60 है, कैपेसिटी 30 है, स्टेबिलिटी 61 है। स्टेबिलिटी की बात करें तो रिक्वायर आप इसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए पावर 48 है, रेट ऑफ फायर 61 है, रेंज 60 है, कैपेसिटी 30 है, स्टेबिलिटी 70 है। यहाँ पर आपको टोटल 9 रिक्वायर कम मिल रहा है एक्सपेरिमेंटल गन में नॉर्मल गन के मुकाबले, और बाकी चीज़ों में देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है इस गन में। अब चलिए इस कारेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस कारेज में मैं पहले हटा लेता हूँ उजल उजल जिससे कि चीटिंग ना हो। तो ये हमारी नॉर्मल गन है, पावर आप देख लीजिए कितनी लिखी है, रेट ऑफ फायर देख लीजिए, रेंज देख लीजिए, कैपेसिटी देख लीजिए, स्टेबिलिटी देख लीजिए। और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल गन में, तो यहाँ पे आप देखिए पावर बढ़ गई और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ी है और बाकी चीज़ें 55 ओके, बाकी चीज़ें सेम है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी पावर या फिर स्टेबिलिटी की बात करें, रिक्वायर की बात करें तो कम है गन में। स्टेबिलिटी मतलब रिक्वायर मतलब ज़्यादा स्टेबल है हमारी एक्सपेरिमेंटल गन नॉर्मल गन के मुकाबले। जैसे AKM देख लीजिए, AKM 70% स्टेबल है 100 में और नॉर्मल AKM 61% स्टेबल है। तो ये फ़र्क है। अब ये गन हमें कहाँ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आज की बात करूँ तो अभी तक पबजी वाले ने यहाँ पर सिर्फ डाला है इस गन को लिविक इवेंट मोड में। लिविक जो नया मैप आया है उसमें अगर कोई आता है इवेंट मोड ठीक है, इवेंट आता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी एक्सपेरिमेंटल गन्स और एरिना ट्रेनिंग मोड जो कि मैंने अभी आपको वहाँ पर दिखाया, उसमें बस दो जगह हमें देखने को मिलेगी। तो एरिना अगर आप खेलते हैं तो उसमें आप एक्सपेरिमेंटल गन यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इसकी पावर स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल गन से, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या फर्क है दोनों गन में। अब आपके मन में एक और सवाल होगा पबजी वालों ने ये गन क्यों ऐड की है ठीक है, एक्सपेरिमेंटल गन। तो मैं अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है मैं वो आपको बता रहा हूं। मेरे हिसाब से पबजी वालों ने इसलिए ऐड किए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर हम जैसे मान लीजिए AKM है तो AKM में कई बार ऐसा होता है ना, जैसे
पहले शायद ऐसा हुआ था बैरल के साथ, उसका रिकॉइल या फिर पावर थोड़ी सी कम की थी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा की थी, तो वो डायरेक्ट हमें गेम के अंदर दे दी कर गए। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमें वो गन पहले से दे दी जाएगी एरिना मोड में, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, हमको सही लगती है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए चाहिए कि अपन पहले से देख पाए एरिना में उस गन को कि क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का ये, अभी जो एक्सपेरिमेंट में आपको गन देखने को मिल रही है, सेम यही गन हमें नॉर्मल गन में देखने को मिल सकती है उसी पावर के साथ, उसी कैपेसिटी के साथ। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं पबजी मोबाइल गेम से रिलेटेड, तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।